तो अभी मन्नत फुलझड़ियां चला रही है, मन्नत घुमा दो सही इसको। चल मन्नत तू भी कर दे, मैं भी कर देता हूँ, यहाँ से ही चला ले। वहाँ पे लगाओ। अभी हमने माता जी का भवन तैयार कर लिया जी, ये देखिए दिए भी जला दिए यहाँ पे। तो अभी दिए लेने हैं हमने, तो दिए ले लेते हैं, छोटे लेने बड़े लेने। मिनट हो गए शाम के, और आज है जी दिवाली का दिन, तो काफी बड़ा त्योहार है इंडिया का। तुम्हारी सारी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। एकम तू भी बोल दे, वहाँ पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है वो। देखिए एकम हैप्पी दिवाली बोल दे सबको। उनको भुजिया खाने की पड़ी हुई है। ओ भाग गया भाग। तो गाइस अभी 5:30-6 हो रहे हैं, तो अभी हम सबसे पहले मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि माता जी की पूजा भी करनी है, तो उसका सामान लेके आना है हमने सारा। क्योंकि फिर आके ही माता जी का जो मंदिर है वो सजाएंगे। और रुचि के मम्मी जी आ गए थे, पापा जी भी आए हुए हैं, तो उन्होंने सब्जी उन्होंने बना दी आज, मटर पनीर की सब्जी बना दी है, साथ में खीर भी बनाई है उन्होंने। और तो भी कुछ बनाया स्पेशल? नहीं बस यही बनाया है, मेरा मन दाल और खीर खाने का, कि मुझे ये था कि चलो इस दिवाली है तो कुछ स्पेशल तो बनाना चाहिए, फिर मम्मा ने बना दिया मेरे कहने पे। तो गाइस खीर बनी हुई है, मटर पनीर की सब्जी भी है, तो चलिए फटाफट से मार्केट में चलते हैं और चल के अपना सामान लेके आते हैं। चलो यार लेट हो रहे हैं, सारा अंधेरा हो रहा है, वैसे शाम को ही मजा आता है दिवाली का, घूमने का भी शाम को मजा आता है। चलो यार लाइटें जगा हूं, लगाइटें जगा रहे तू। एकम कहाँ है? एकम यही है। चल मैं एक मिनट में आ गया, ठीक है? एक्टिवा की चाबी निकाल लो, जब तक लाइट जगाया हूँ। देख ठीक लग रही ना? अब बढ़िया लग रही। अंधेरा तो होने लग गया हल्का हल्का। चल चले चल बनी आ जा। तो अभी मार्केट में आ चुके हैं जी, मार्केट खाली हो चुकी है, तकरीबन खाली है, क्योंकि अभी लोग जा रहे हैं घर को। ये देखिए शाम का टाइम हो गया ना, अभी माता की पूजा का टाइम हो गया। ये पटाखे लगे हैं, मन्नत तेरे को पटाखे लेके देता हूँ अभी। तो अभी दिए लेने हैं हमने, तो दिए ले लेते हैं, छोटे लेने बड़े लेने? छोटे छोटे दे दे यार, कलर वाले ले ले, मैं कहता हूँ बढ़िया है वो। 40 रुपए यार, बड़ा रेट बढ़ाया हुआ है। 40 रुपए ज्यादा लगते हैं। चलो लड़का बोल रहा है जी 40 रुपए दर्जन। तो दूसरे कैसे हैं ये मिट्टी वाले? ये वाले 20 रुपए। अच्छा ये प्लेट भी लगी है, ये 6 कितने हैं इसमें? 5 है, 6 है, 5 है। ये ले ले रुचि, ये देख ये भी बढ़िया लगेगी कि मंदिर के लिए है तेरे पास? ये शुभ दीपावली भी है, ये तो अब लगाते भी टाइम लग जाएगा इसको। वैसे हम पिछली बार ये लेके गए थे, ये वाला, ये बहुत बढ़िया। तो वो वाली शॉप से अपने को घर नहीं मिला था, घर यहाँ पे लगे हुए हैं और रेट भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से घर ले लेते हैं। फुलियाँ बताते हैं वो भी ले लेते हैं। हाँ ये ले ले। तो गाइस अभी 2 चीज़ें तो ले ली है, अभी पटाखे लेने हैं मन्नत के लिए, और भी पहले घर पे जाएंगे, उसके बाद गुरुद्वारा साहब भी जाना है, वहाँ भी मोमबत्ती जगानी है। पटाखे देखते हैं कहाँ लेंगे आगे। तो अभी इनका सामान ही नहीं मुक रहा, इधर भी रुक गए हैं, जो सी दुकान दुख रही है वहीं पे रुके जा रहे हैं। अब क्या रह गया? डेकोरेशन के लिए सामान ले रहे हैं। तो अभी सामान तो तकरीबन हमने सब ले लिया है, तो अभी घर को जा रहे हैं। एक बार पहले घर जाएंगे तो पूजा वूजा करके फिर जाएंगे गुरुद्वारा साहब मोमबत्तियाँ जलाने, और मन्नत को पटाखे भी ले दिए। तो अभी लाइटिंग देखिए कितनी शानदार हो रखी घर पे, ये मंदिर है ये वाला,
तो शाम को सबकी चल गई है ना लाइटें, बहुत बढ़िया लग रही हैं। ये देखिए गली के अंदर हमारी कितनी बढ़िया लाइटिंग हो रखी है। हैप्पी दिवाली। तो अभी घर पे आ चुके हैं जी, आते ही एकम रोने लग गया है। एकम क्या हो गया? नहीं मिलेगा, हैप्पी दिवाली बोल पहले। बोलो मैं छोटा बाबा हूँ, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। लिपस्टिक पकड़ के बैठा हुआ तेरी। प्लास्टिक वाली है, प्लास्टिक वाली। तो अभी हमारा इधर मम्मी जी बना रहे हमारी रोटियां और सब्जी, इन्होंने पहले ही बना दी सब्जी। हमारी तैयार हो गई है ना मटर पनीर। हाँ। मटर पनीर की सब्जी है, साथ में खीर है और साथ में रोटियां बना रहे हैं, क्योंकि शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं। फिर खीर बनी गई अब, तो खीर हमारी ऑलमोस्ट। हाँ, ये मैं बीच में घुसी हुई हूं, गिर जाऊं मैं। खीर बन गई है और सब्जी भी, 7 बज रहे हैं। फिर मम्मी जी ने भी अपने घर पे जाना है। ये देखो मटर पनीर तो बहुत शानदार लग रहे हैं, साथ में ये देखिए चपातियां भी बन गई। अभी ठहर के खाएंगे, पहले पूजा वूजा करेंगे उसके बाद खा लेंगे। तो अभी मम्मी जी और पापा जी तो घर पे चले गए हैं जी, खाना हमारा बना गए हैं। आज तो आराम से खाएंगे घर का मटर पनीर और साथ में हमारे खीर भी है। तो अभी टाइम हो चुका है, आपको टाइम दिखाते हैं। शाम के बज गए हैं, 7:15 हो गए हैं ये देखिए। तो अभी लोग तो शुरू भी हो गए पटाखे पटाखे चलाने। तो अभी हम सबसे पहले माता जी का मंदिर बनाएंगे और पूजा का जो है वो करेंगे, वो सबसे पहले। अभी हमने माता जी का भवन तैयार कर लिया जी, ये देखिए दिए भी जला दिए यहाँ पे। अरे ये सारे जितने भी प्रभु हैं सबकी फोटोएं लगा दी हैं। ये देखिए वो बाबा जी की फोटो सीधी कर, और ये यहाँ पे खीर रख दी है जो हमने घर पे बनाई थी, और साथ में टिक्का है, और ये सेंटर में एक दिया ये भी जल रहा है जी। ये घर जो हम लेके आए थे अभी मार्केट से वो रखा है, तो इस गर्मी में जल रखा हुआ है, और ये माता जी की भोग के लिए लाए थे वो रखी हुई है। तो आपको ऊपर से एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर माता का भवन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। अभी एक हमारे पास और भी है, ये भरी हुई है, इसको अभी रुक के जलाएंगे थोड़ी देर में जब छत पे लेके जाएंगे। ये देखिए आप, तो अभी हम माता की आरती शुरू करने लगे हैं जी, फटाफट रुचि कर दे शुरू। हाँ, माता जी की आरती करो। ये देखिए एकम भी खड़ा है, एकम माता जी की आरती करनी, बैठो बैठो। बानी तू भी बैठ जा। जय लक्ष्मी माता, या जय लक्ष्मी माता, मैया जी को इस दिन सेवत, विश्व रूप दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। माता जी मेहरे करे हमारे घर पर, सबके घर पर करे। हाँ, सबके घर पे माता जी मेहरे करे। जय करो एकम, माता जी को जय करो। बोलो माता जी जय। इसके टिक्का पहले ही लगा हुआ है, ये देखिए। ये जय हो माता दी, जय। बड़ा अच्छा, आप भी पानी के पे लगा दो। मानी आ जा, चलो बाना आप लगाओ। ये जय हो माता जी की, जय हो माता जी। मेरे लगाएगी? हाँ जी, आपके भी लगेगा। गाइस अभी मेरे लगे लगाए टिक्का, ये देखिए। जय माता दी, जय माता, जय लक्ष्मी माता की। अब तेरे कौन लगाएगा? मैं हाँ, आप लगा। चल तू लगा दे मम्मी के, छोटा सा लगाई हो। छोटा सा लगा दी मम्मी, भर मत दियो। हाँ बस बहुत है बेटे, ये क्या कर दिया इसने? ठीक लगाया, बहुत बड़ा लगा दिया। चलो रुचि फटाफट से माता जी की पूजा शुरू कर लो। हाँ, तो गाइस अभी फटाफट से पूजा माता जी की शुरू करते हैं। मैया जी को इस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, हाँ पकड़ो। जय लक्ष्मी माता,
माता तुमको नित्य सेवत मैया जी को निदिन सेवत हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। चलो भी फटाफट मैं उठा लूं। चलो एक मैं उठा लेता हूँ, एक तुम उठा लो, दो हो गई ना। दरवाजा खोल दो। मैं आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। चल मैं तेरा तो हाथ है, मैं भूल गया था गाइस, इसका हाथ नहीं ठीक, मेरे को ही उठाना पड़ेगा। लाइट जला दे, लाइट पहले घर बाहर रखने के उधर रखने, पहले जहाँ मर्जी रख दो, पहले ऊपर चलेंगे बाहर रखने, पहले पहले बाहर। चलो आ जाए, कम मन्नत आ जा। यहाँ पे रख दिया मन्नत, तू लगा, चल उठा उठा के रखे जा। चल चल चल, गरम तो नहीं, जय माता की। यहाँ भी रख देते हैं। तो अभी हम घर के सीढ़ियों में लगाने लगे दिए, एक का ने बहुत परेशान कर दिया, बोल रहा मेरे को दिखाओ। अरे सब दी भी मुझे दे दो, पहले मैं पकड़ लूँ ना। तेरे को नहीं दे सकते बेटे, गरम है वो। ये देखिए ये क्या कर रही है। चल बेटा जी, मैंने आपको दिए लगा। चल चल दिए लगा यहाँ पे। अभी यहाँ बन्नों पे भी तीन तीन लगा दिए, ये देखिए इधर तीन लगा दिए हैं, और लड़ियाँ तो हमारे लगी हुई हैं पहले, इधर भी तीन लगा दिए, और छत पे भी लगाए हैं। मैं और मन्नत गए थे, अब शोर कितना है पटाखों का, है ना। आसमान में पटाखे बहुत चल रहे हैं, अभी छत पे जाएंगे रुक के, पहले गुरुद्वारा साहब जाते हैं। तो अभी घर से निकल चुके हैं, गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, ये देखिए रौन के लाइटिंग वाइटिंग बहुत हो रखी है, फिर आके पटाखे जलाएंगे। अभी गुरुद्वारा साहब में आ चुके हैं जी माथा टेकने के लिए, ये देखिए लोगों ने काफी कैंडलिंग की हुई है। तो अभी रुचि तो माथा टेकने गई, प्रसाद ले आई अंदर से, मैं ले लेता हूँ, मैंने इसको उठाया हुआ है। मन्नत तू भी कर दे, मैं भी कर देता हूँ, यहाँ से ही चला ले, जहाँ पे नहीं लगी हुई ना वहाँ पे, वहाँ पे लगाओ, वहाँ पे जहाँ पे नहीं लगी सेंटर में लगा दो, यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया, वो एक कम खराब करेगा यार सारी, रुक जा मेरे को लगा दे, ये ले। चलो तूने लगा दी सारी, एक और है मैं लगा देता हूँ एक। जय बाबा जी, जय सतनाम, सतनाम, सतनाम वाहेगुरु। एक इधर लगा दे, चलो। तो अभी गुरुद्वारा साहब से माथा टेक के आ गए हैं जी, और भूख काफी लग गई है क्योंकि 9:20 हो गए हैं रात के, तो खाना वाना खा के 10:30 फिर हम पटाखे चलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 1-2 तक पटाखे चलते ही रहेंगे गली में, तो अपा आराम से ही चलाएंगे। पहले खाना खा लेंगे, मटर पनीर की सब्जी बनी हुई है, साथ में है खीर, और रुचि देखिए वो तैयारी कर रही, हल्का फुल्का काम कर लेती है अब। तो अभी खाना वाना खा लिया जी, मन्नत चलाने लगी है पटाखे, पटाखे लेके आपने, तो इधर गली में बच्चे भी चला रहे हैं पटाखे, आपको ये भी दिखा देते हैं, ये सामने ग्राउंड में चला रहे, बढ़िया हो गया ना। तो अभी मन्नत फुलझड़ियां चला रही है, मन्नत घुमा दो सही इसको, ओ वो अनार चल गया उधर देख, वो उधर अनार चल गया, अनार चलाओ चलाओ घुमाओ, हाँ डरती क्यों है, डरती बहुत है यार, बहुत बड़े बड़े पटाखे चला रहे हैं बच्चे, तो ये छोटे से ही चला रही है, इधर देख, ओ उसके एकम के ऊपर मत घेर दियो, एकम डर रहा है पटाखों की आवाज है ना, बच्चे बहुत बड़े बड़े बुलेट बम चला रहे हैं यहाँ पे। अभी 11 का टाइम है रात का, गली में पटाखे देखिए कैसे चल रहे हैं, ओ तेरी क्या, ओ तेरी आवाज कितनी आ रही, और नार नहीं चलाना यार, ये हाथ में फटेगा, ओ मैं वो चलाता हूँ, इधर हो जा बानी मैं चलाता हूँ, ये अपने पास है क्या है कुकड़ बम, इसको चलाते हैं।
तो अभी हम अंदर आ चुके हैं जी, रात के बज चुके हैं, आपको टाइम दिखा देते हैं। पटाखे चला चला के बुरी हालत हो गई है, देखिए बाल कैसे हो गए मेरे। 11:52 हो गए, ऑलमोस्ट 12 ही बजने वाले हैं। तो बच्चों के लिए लाए थे छोटे छोटे पटाखे, थे इतने इतने अनार थे हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे अनार थे आज पड़ोस वाले हमारे अनार देख के हंस रहे थे, एकम जितना है ना इतने अनार के बच्चे थे, वो चलाते बाद में थे, खत्म पहले हो जाते थे। एक्चुअली हम इसलिए लाए थे ना क्योंकि मैंने अनार कभी नहीं चलाया, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, तो मैं सोचा चलो बड़ा छोटे छोटे से करते हैं, पर ठीक था, इतना डर नहीं लगा, मैं ज्यादा डर रही थी। तो इसके लिए बानी के लिए ही लाए थे हम, मैं तो चलाता नहीं जी पटाखे, पटाखे तो वैसे भी पोल्यूशन ही होता है, वातावरण को भी खराब करता है और पैसे की भी बर्बादी होती है, लेकिन बच्चे के मन के लिए थोड़े से ले आए थे। वो बड़े छोटे साइज के पटाखे थे, उनकी आवाज भी कम ही थी, तो लोग इतने इतने बड़े चला रहे हैं बुलेट मंप बाहर, तो हम छोटे छोटे चला रहे हैं उनके आगे ऐसे फेंक रहे मैं कहा फटाफट खत्म करो यार अंदर चले, तो 12 फिर भी बज गए जी रात के। काफी मजा आया आज दिवाली के दिन, तो हमारी सारी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। हम आशा यही करते हैं कि आपका सारा साल अच्छा जाए, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंडिंग करेंगे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस का लाइक करें। और एक कम गाइस अंदर सो गया है, वो तो वैसे ही बेचारा डरे जा रहा था, पटाखों की आवाज ही इतनी थी, इतने बड़े बड़े बम चला रहे हैं लोग, अभी हमने सब दरवाजे वगैरह अपने बंद करके रखे हैं ताकि आवाज ना आए अंदर, फिर भी आवाज अंदर आ रही है। तो एकम तो तकरीबन 10:30-11 के करीब सो गया था, उसको सुला दिया था। तो हम मिलेंगे कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।